नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य द्विवेदी और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ तेजस आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स का जो सेक्शन था कुछ दिनों के लिए बंद हुआ था, जिसकी वजह थी कि मैं अपना पॉलिटी के सेक्शन निपटा रहा था। लेकिन हमने करंट अफेयर के स्टार्टिंग के, अगर आप 1 फरवरी और 2 फरवरी का वीडियो देखेंगे, तो वो हमने बजट के रूप में एक दूसरी प्लेलिस्ट में रखा है। तो फरवरी के स्टार्टिंग के 2 दिन के जो न्यूज़ हैं वो आपको बजट सेशन वाले जो सेक्शन हैं वहाँ पे मिल जाएंगे। और ये पर्टिकुलर सेगमेंट मेरे 3, 4 और 5 तारीख से डील करेगा। तो शुरू करते हैं आज के इस सेक्शन को। दोस्तों, जो पहला इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आया इन 3 दिनों के दरमियान, वो था आपका स्टारडस्ट का लॉन्च होना लॉरिंग कॉमर्स सेंटर से। ये क्यों न्यूज़ में आया? क्योंकि ये आपका फर्स्ट बायोफ्यूल बेस्ड आपका रॉकेट छूटा है और ये फर्स्ट कमर्शियल इन नेचर था। तो इसकी वजह से कई जो आपके नए अपॉर्चुनिटीज़ इस पर्टिकुलर आपके लॉन्च से क्रिएट हुए हैं। पहला अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ये क्रिएट हुआ है कि अभी तक जो आपकी जितनी भी फ्यूल बेस्ड आपकी यूसेज थी रॉकेट में, वो मेनली आपके हाईली एक तरह से पॉल्यूशन क्रिया करती थी। तो अब बायोफ्यूल का इस्तेमाल होने की वजह से वहाँ पे आप एक तरह से देख पाएंगे कि वो आपके जो पॉल्यूशन एमिशन है उसमें कमी आएगी। साथ में यहाँ पे आप बायोफ्यूल होने की वजह से कहीं ना कहीं अब ये डायरेक्ट क्या होगा, जो आपके बायो वेस्टेज होते हैं और जो किसान का जो एक्सेसिव जो वो रहता है, फार्म के जो प्रोड्यूस रहते हैं, वो भी अब कहीं ना कहीं आपके बायोफ्यूल के रूप में आपके रॉकेट में इस्तेमाल हो सकेंगे। तो ये काफ़ी ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। और इस न्यूज़ के आने के बाद से इंडिया में भी काफ़ी हलचल देखने को मिली है, क्योंकि हमारे यहाँ भी कई ऐसी जो बर्डिंग स्पेस एजेंसीज हैं जो पर्टिकुलरली आपकी इस फील्ड में काम कर रही हैं, वो भी प्रपोज्ड है कि या फिर वो भी प्लान कर रही हैं कि बायोफ्यूल के थ्रू वो अपने क्या जो रॉकेट्स हैं उनका लॉन्च करें। इसको बेसिकली आपके जिस कंपनी ने लॉन्च किया है वो है आपकी ब्लू शिफ्ट। वैसे ब्लू शिफ्ट का ये दावा है कि वो अपना जो स्पेस एक्स है उसके बदले में वो एक तरह से क्या छोटे साइज़ के जो रॉकेट होते हैं, छोटे साइज़ के जो आपके पेलोड्स होते हैं, वो उनको लॉन्च करने का काम करेगा। और एक तरह से वो अपने आप को ऊबर ऑफ द स्पेस के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस न्यूज़ से हमने ये इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। बहरहाल, ये जो आपका लॉरेंस कॉमर्स सेंटर है ये आपके यूएस में है, और यूएस में पहले ये जो आपका लॉरेंस सेंटर हुआ करता था वो पहले आर्मी बेस हुआ करता था, लेकिन अब वो आर्मी बेस नहीं रहा, अब वो एक कमर्शियल सेंटर के रूप में डेवलप हो गया है। दूसरा दोस्तों न्यूज़ है आपका न्यू स्टार्ट, एंड स्टार्ट स्टैंड फॉर स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। ठीक है, ये आपके यूएसए और रशिया के बीच ये ट्रीटी हुई है बेसिकली। और ये ट्रीटी 2 बार हो चुकी है। पहला आपकी ट्रीटी जब वर्ल्ड वॉर खत्म, कोल्ड वॉर खत्म होता है और यूएसएसआर का कोलैप्स होता है, तो 1991 में होता है। उसके बाद जो दूसरा आपका ट्रीटी होता है वो जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट बनते हैं 2008 में, तब होता है। और ये जब 2 ट्रीटी होती है, इसका मेन मकसद ये था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वर्ल्ड को क्या कर सके, एक तरह से न्यूक्लियर जो डेंजर इंड्यूस हो रहा है या जो न्यूक्लियर वॉर की जो आशंका है उसको कम किया जाए। क्योंकि ये जो 2 कंट्री हैं इनके पास पूरे वर्ल्ड की 80% क्या है, न्यूक्लियर आर्सनल है, अकॉर्डिंग टू सिपरी। सिपरी का जिक्र मैं अपने प्रीवियस वीडियो में कई बार कर चुका हूँ। तो अगर ये 2 कंट्री अपने आर्म रिडक्शन करते हैं, साथ में एक तरह से जो उनका अपना आर्सेनल बढ़ाने के जो रिडक्शन के साथ एक तरह से इस प्रकार की ट्रीटी करते हैं, तो उससे क्या जो बाकी आपके न्यूक्लियर लेस्ड कंट्रीज़ हैं, जो बाकी आपके न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ हैं अपार्ट फ्रॉम दिस 2 कंट्री, जो 7 न्यूक्लियर घोषित कंट्री हैं, वो भी इस तरह की ट्रीटी करेंगे। तो हो सकता है इंडिया और पाकिस्तान भी इस प्रकार की ट्रीटी करें। बहरहाल, ये जो आपकी ट्रीटी है वो एक तरह से किस में, जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था उस वक्त काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन उठे थे, क्योंकि ये 2021 में इसका टर्म पूरा होना था और उसके बाद अगर इसको रिन्यू नहीं किया जाता तो उस केस में रशिया ने खुलेआम घोषणा कर दी थी कि वो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ाता, और अगर रशिया अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ाता तो फिर अमेरिका भी अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को एक्सपैंड करता। तो ये फर्स्ट न्यूज़ थी। इसके बाद इसी से रिलेटेड हो सकता है कि आप एक INF की न्यूज़ को, जब मैं पिछले बार ओपन स्काई ट्रीटीज का जिक्र कर रहा था, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जाते जाते उसने एक और जो ओपन स्काई ट्रीटी है
उससे भी घोषणा की थी पिछले साल निकलने की, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आने के पहले रशिया ने भी उससे घोषणा कर दी थी वॉकआउट करने की। तो ये जो दो ट्रीटी है आपकी, इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी और जो दूसरी है आपका ओपन स्काई ट्रीटी, हो सकता है इस पर वापस से निगोसिएशन शुरू हो, क्योंकि ये जो दोनों ट्रीटी हैं वो भी आपके किसको एक तरह से वॉर के एनवायरनमेंट को इन्हांस करते हैं। और अगर वॉर का एनवायरनमेंट इन्हांस होता है तो उस केस में आपकी जो न्यू स्टार्ट पॉलिसी का जो एग्रीमेंट हो रहा है वो उतना सफल नहीं हो पाएगा। तो ये सिर्फ स्टार्टिंग है न्यू स्टार्ट पॉलिसी को वापस से 5 साल रिन्यू करने का फैसला, लेकिन साथ में इन दो जो दो आपके एग्रीमेंट है, चाहे आपके इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्स वाला जो आपके 500 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर तक के रेंज के जो न्यूक्लियर वेपन है उनको डिसआर्म करने की बात करता है, और दूसरा ओपन स्काई ट्रीटी जो एक तरह से क्या करता है, ये इंश्योर कराता है और एयर सर्विलेंस का अपॉर्चुनिटी क्रिएट कराता है, जिससे क्या वॉर मॉन्गरिंग की जो सिचुएशन क्रिएट होती है वो ना हो। तो इन दोनों को भी प्ले में आने की ज़रूरत है। उसके बाद दोस्तों तीसरा न्यूज़ इंडिया से रिलेटेड है, एरो इंडिया 2021। एरो इंडिया 2021 हमारा हर 2 साल में कंडक्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका बाई एनियल प्रोग्राम है, बाई एनियल प्रोग्राम है, और ये 13th एडिशन था इसका। ये आपके यालाहांका में होता है, यालाहांका एयरपोर्ट जो बेंगलुरु में है वहाँ पे ये कंडक्ट होता है। तो ये तो रही कुछ इसके इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्लेस कि कहाँ ये कंडक्ट होता है और क्या इसका स्ट्रक्चर है, मतलब ये हर साल होता है कि हर 2 साल में होता है, उसके बाद ये कौन सा एडिशन का था। अब एरो इंडिया एक तरह से क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम मेक इन इंडिया कर रहे हैं, और मेक इन इंडिया में जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा प्लैंक है वो क्या है, डिफेंस है, क्योंकि डिफेंस के मामले में हम वर्ल्ड के सेकंड सबसे बड़े इम्पोर्टर हैं, और इसी को बेस बनाते हुए मोदी गवर्नमेंट ने ये कोशिश कर रही है कि वो अपना जो इम्पोर्ट बिल है उसको रिड्यूस करे, और इम्पोर्ट बिल को रिड्यूस करने के लिए जाहिर तौर पे उसको जो अपना डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और ये जो आप मेक इन इंडिया का जो सबसे अहम एक तरह से मॉड्यूल है वो आपका एरो इंडिया है। एरो इंडिया दो सेगमेंट्स में काम करता है, पहला सेगमेंट जो उसके एग्जीबिशंस लगते हैं, डिफेंस एग्जीबिशंस लगते हैं, और दूसरा सेगमेंट ये रहता है जहाँ पे आपके जो अराउंड सराउंडिंग जो आपके डिफेंस मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पे मिलते हैं, और यहाँ पे एक तरह से थिंक टैंक और अदर पॉलिसीज पे चर्चा होती है। तो इस केस में ये जो आपका एरो इंडिया 2021 है वो काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट आपका पूरे हमारे नेशनल स्ट्रेटेजिक जो पॉलिसी है उसमें रोल प्ले करता है, उसके बाद मेक इन इंडिया में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मेक इन इंडिया जो पहली बार हुआ था वो आपका 1996 में हुआ था, और एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि ये इंडिया का सबसे बड़ा तो है ही, साथ में ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा आपका एयर शो है, ठीक। इंडिया का तो है ही साथ में एशिया का भी सबसे बड़ा एयर शो एंड डिफेंस एग्जीबिशन है। तो इससे रिलेटेड आपको 3-4 फैक्ट्स पता चले जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको मेक इन इंडिया से कनेक्ट किया। और कहाँ से इसको कनेक्ट किया, मैंने आपका इसको कनेक्ट किया हमारे स्ट्रैटेजिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन से। उसके बाद दोस्तों ये जो है आपका ओरोमांचे, ये एक पैरासाइट है, और रिसेंटली ये न्यूज़ में आया था, और यूपीएससी की एक आदत रहती है कि वो कई बार पैरासाइट को बेस बना के या कई बार ऐसे जो आपके इनविजिब प्लांट्स हैं उनको बेस बना के क्वेश्चन पूछता है। 2017-18 में पूछा था, उसके बाद कई 2019 में भी एक प्लांट को बेस बना के पूछा था। तो ये जो आपका ओरोमांचे है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार का दिखता है। तो ये कुछ इस प्रकार का दिखता है, और इसके करीब एक पैरासाइट प्लांट है, ये पैरासाइट इन नेचर है, और इसके 200 से अलग अलग प्रजातियां आपकी पाई जाती हैं। ये कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। तो ये आपका पैरासाइट प्लांट है, ये 200 के ऊपर की संख्या में पाया जाता है, दो चीज। तीसरी चीज जो इससे इम्पॉर्टेंट है कि ये अभी किसके रिलेशन में मिला है, ये मेज के रिलेशन में मिला है,
क्योंकि मेज का क्या हो रहा है, एक स्टडी के हिसाब से 50% ऑफ द जो न्यूट्रिएंट्स है मेज के वो इस पर्टिकुलर पैरासाइट प्लांट की वजह से ख़त्म हो रहे हैं, उसके न्यूट्रिशन में दबाव पड़ रहा है और उसका जो प्रोडक्शन है वो भी आपके किस में जा रहा है, डेप्रिसिएशन में जा रहा है। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मेज नहीं मस्टर्ड, मस्टर्ड सरसों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये जो आपकी खबर आ रही है, तमिलनाडु गवर्नर डिक्लाइन टू टेक ऑन पैरावेलन। पैरारिवेलन वो व्यक्ति हैं जो आपके राजीव गांधी मर्डर केस में ये एक तरह से कॉन्स्पिरेटर के रूप में उभरे थे, और हम सभी जानते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जो दर्दनाक मृत्यु हुई उसमें लिट्टे का बड़ा रोल था, तो इनका जो कनेक्शन था वो लिट्टे से था, और ये अभी 30 साल के ऊपर की क्या जेल काट चुके हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन हमें परिवेलन के बैकग्राउंड से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की आशंका कम है, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से काफ़ी सारे पॉलिटिकल एंगल्स जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले गवर्नर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पार्डन करने से मना कर रहे हैं, तो सबसे पहले पार्डन करने से मना कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे सीधा सीधा आर्टिकल 161 का जिक्र आ रहा है, तो आर्टिकल 161 का जिक्र आ रहा है। और गवर्नर का जो स्टेटमेंट है, उनने कहा कि जो पेरारिवेलन जो है उनके रिगार्डिंग जो केस है वो प्रेसिडेंट पार्डन का केस बनता है, तो प्रेसिडेंट पार्डन यानी 72 जो आर्टिकल है, आर्टिकल 72 उसका केस बनता है। अब आर्टिकल 161 और आर्टिकल 72 में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जो आर्टिकल 161 है उसमें पार्डनिंग पावर गवर्नर के पास होती है, और वो जो पार्डनिंग पावर है आपके स्टेट लिस्ट से रिलेटेड रहती है और स्टेट इन्फोर्समेंट एजेंसी के रिलेटेड रहती है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके स्टेट लिस्ट से रिलेटेड है, वेयर एज जो आपका आर्टिकल 72 है वो किससे रिलेटेड है, वो आपके यूनियन लिस्ट से रिलेटेड है, वो आपके कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड है, मतलब उस पर्टिकुलर जो डोमेन में जो आर्टिकल्स मेंशन है उस केस में अगर कोई पनिशमेंट होती है तो उसको माफ करने का अधिकार आपके प्रेसिडेंट के पास आता है। और आर्टिकल 72 में एक तरह से अगर उसमें कोई सेंट्रल लेवल की एजेंसी शामिल होती है, जैसे इस केस में आपकी सीबीआई ने चार्जशीट दायर की है, तो सीबीआई क्या सेंट्रल लेवल की एजेंसी हो गई है, और इसी बेस पे क्या हुआ है कि सेंट्रल लेवल के एजेंसी के इन्वॉल्व होने की वजह से उस इन्फोर्समेंट के पूरा इन्वेस्टिगेशन करने की वजह से ये जो पूरा अधिकार है इनके पार्डनिंग का वो किसके पास चला गया है, वो आपके प्रेसिडेंट के पास चला गया है। तो दो इंपॉर्टेंट तथ्य यहां से निकले, पहला आर्टिकल 161 का जो एक बेसिक उसका स्ट्रक्चर है वो हमने समझा कि वो स्टेट लिस्ट से डील करता है, उसके बाद आर्टिकल 72 किससे डील करता है, उसके बाद जो उसका एप्लीकेशन फंक्शन है कि स्टेट फंक्शनरीज स्टेट इन्फोर्समेंट का क्या रोल रहता है आपके आर्टिकल 161 में, और सेंट्रल फंक्शनरीज और सेंट्रल इन्फोर्समेंट का क्या रोल रहता है आपके आर्टिकल 72 में। तो यही दो चीजें आपके यहां पे मेजर क्वेश्चन के रूप में बन सकती हैं। अब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनेगा, और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है इस पर्टिकुलर को कंपेयर करने बोले या इसको इलेबोरेट करने बोले। इसके बाद दोस्तों ये जो अगला है आपका, सेंटर रेडी टू इंट्रोड्यूस बिल डिफाइनिंग दिल्ली गवर्नमेंट और जो एलजी की पावर है उसको एक्सटेंड करने का, तो ये आपका सीधा सीधा वापस से पॉलिटी का क्वेश्चन बनता है। 69th अमेंडमेंट जो है वो इससे डील करता है, क्योंकि 69th अमेंडमेंट ही जो दिल्ली है उसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी का एक विशेष दर्जा दिया जाता है, और उसी के तहत आर्टिकल 239AA आर्टिकल 239AA को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, और आर्टिकल 239AA ही आपका जो स्पेशल स्टेटस है दिल्ली का वो डिफाइन करता है। अब कुछ दिन पहले इस पे एक तरह से जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उनने एक वीडियो जारी किया था और उनने ये आरोप लगाया था कि जो भारत सरकार है वो क्या करना चाहती है, जो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पावर को कर्ब करना चाहती है। तो जाहिर तौर पे वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, तो उसका जो रिबटल था वो आना ही था। तो अब हमें ये देखना है कि इसका एग्जैक्ट प्रपोजल क्या होगा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा है, और हाल के कई सालों में इस पर काफ़ी ज़्यादा एक तरह से न्यूज़पेपर में खबर बनी है, क्योंकि अगर आप देखें तो दिल्ली के जो सीएम है वो कई बार इस चीज़ की मांग उठाते थे कि दिल्ली को क्या किया जाए, एक तरह से स्टेट का दर्जा दिया जाए, क्योंकि दिल्ली आपके स्टेट का दर्जा नहीं मिलता, वो उसको यूटी का दर्जा मिलता है, और यूटी में भी उसके पास एक तरह से क्या स्पेशल स्टेटस है, उसकी जो पुडुचेरी है उससे इसका स्टेटस काफ़ी स्पेशल है।
तो इस केस में यहाँ पे देखना है कि क्या क्या पावर आपके कर्ब किए जाते हैं या क्या क्या अमेंडमेंट्स लाए जाते हैं। जाहिर तौर पे यहाँ जो एलजी का रोल है ये और क्या होने वाला है, ये और प्रोनाउंस्ड होने वाला है, ये और फैलाव की ओर जाने वाला है। पहले आपके जो लॉ एंड ऑर्डर है, उसके बाद फिर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है और जो लैंड का केस है वो आपके किसके अंडर आ रहा था, वो आपके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके केस के अंडर आ रहा था। लेकिन यहाँ पे 2018 का वर्डिक्ट आता है और उस 2018 के वर्डिक्ट के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कोई भी नियम लेने का जो अधिकार है और ट्रांसफर पोस्टिंग पे भी कोई भी नियम लेने का जो अधिकार है, कोई भी कानून बनाने का, कोई भी उसमें पॉलिसी बनाने का अधिकार आपके स्टेट गवर्नमेंट को चला गया। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर है वो अभी भी किसका सब्जेक्ट है, वो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर का सब्जेक्ट है। और बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ आपके होम अफेयर्स उसको डील करते हैं, इसलिए कई बार आपको दिल्ली पुलिस करके आपको एक वो दिखेगा, पॉलिटिकल इस पे बयानबाजी दिखेगी। उसके बाद इसमें जो ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो हिसाब है, जो आपके आईएएस अफसर जो इसमें इन्वॉल्व है और जो सेंट्रल डेपुटेशन से जो अफसर इसमें आए हैं और यूटीज से जो अफसर इसमें आ रहे हैं, उनकी भी ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा हिसाब किसके पास है, वो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। तो मेजरली आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो दो पार्टों में है, जो इस पर पॉलिसी बनाने का और जो ब्यूरोक्रेसी को मैनेज करने का जो हिसाब है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब किसके थ्रू, लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू करती है। और यहाँ पे जो आपका दूसरा फेस है, जो आपका दूसरा फेस किसका एग्जीक्यूशन करने का काम, वो आपकी वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट करती है। और इसी की वजह से इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको काफी खींचतान दिखेगी। तो देखते हैं इस पे पर्टिकुलरली आगे क्या होता है, इसको हम आने वाले वीडियोस में और जिक्र करेंगे एक बार वो बिल टेबल्ड हो जाए उसके बाद। इसके बाद दोस्तों आईसीसी, आईसीसी स्टैंड फॉर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आईसीसी स्टैंड फॉर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये आपका 2003 में बनता है, ठीक है। और ये मेनली आपके जो वॉर क्राइम्स होते हैं, जो जेनोसाइड होते हैं, ये उससे डील करता है। कुछ दिनों पहले क्या हुआ था, जो हमारे म्यांमार में जो रखाइन में जो जेनोसाइड हुआ था रोहिल्या मुस्लिम्स का, वो भी आपके आईसीसी में गया था और वहाँ पे आंग सू की म्यांमार का पक्ष रखने गई थी। और उनका जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि वो अभी हमारे करेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि वो अभी डिटेन कर दी गई हैं वहाँ की आर्मी के द्वारा, इसलिए मैंने उनका एग्जाम्पल लेके बताया। अब आईसीसी क्या करती है, बेसिकली आईसीसी जो एक तरह से जो इसका कन्वेंशन है उसको बहुत कम लोगों ने रेटिफाई किया है। और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ आईसीसी और नॉट, तो इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईसीसी, ठीक, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। मजे की बात यह है कि जितनी भी स्ट्रांग कंट्रीज हैं, चाहे वो यूएसए हो वो भी इसका मेंबर नहीं है, रशिया हो वो भी इसका मेंबर नहीं है। तो आईसीसी के अंडर जितनी कंट्रीज आ रही हैं वो क्या एक तरह से इस आईसीसी के जितने भी आपके वॉर क्राइम्स होते हैं, ट्रांस बाउंड्री आपके जो जेनोसाइड्स होते हैं, उसके बाद जो आपके ड्रग क्राइम्स होते हैं, सेक्स रैकेटिंग जैसी जो गंभीर मसले होते हैं, उसके ऊपर ये अपना वर्डिक्ट सुनाती है। और ये यहाँ पे जो युगांडन रिबेल लीडर हैं, युगांडियन रिबेल लीडर, जो बेसिकली आपका क्या लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी चला रहे थे। अब ये लॉर्ड रेजिस्टेंट आर्मी क्या थी, तो लॉर्ड रेजिस्टेंट आर्मी एक तरह से जो युगांडा की सत्ता पे मुसरवेनी जो 1985 से काबिज हैं और हाल के इलेक्शन को भी उनने जीता है, और हमने इसको प्रीवियस अपने वीडियोस में कवर भी किया है। तो मुसरवेनी के अगेंस्ट में ये आपकी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस फोर्स खड़ी होती है। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे ये कई बहुत बड़ा एरिया अपने अंडर लेकर आती है और धीरे धीरे इनको जब पुश मिलने लगता है तो उस पुश में वो अपने साथ कई लोगों को लेती है। और फिर जो एक तरह से हर आपके रेबल ग्रुप का काम रहता है, हर आपके जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं उनका काम रहता है कि अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए वो क्राइम्स करते हैं। क्राइम्स में फिर हर प्रकार का क्राइम इन्वॉल्व हो जाता है, चाहे वो रेप हो, मर्डर हो, ट्रैफिकिंग हो, ये मनी लॉन्ड्रिंग हो, वो सारे केसेस इन्वॉल्व हो जाता है। और आईसीसी ने क्या किया है, इसके जो सरंगना है उनको यहाँ पे कन्विक्ट किया है। और कन्विक्ट करने के साथ ही यहाँ पे मैं आपको एक मैप दिखा दूँ कि ये पर्टिकुलर आपका इन्फ्लुएंस इनका कहाँ कहाँ है। तो दोस्तों ये बेसिकली आपके युगांडा में था ये आपका लॉर्ड रेजिस्टेंस आपकी आर्मी,
लेकिन इसका इन्फ्लुएंस सूडान में भी बढ़ता है, इसका इन्फ्लुएंस आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भी बढ़ता है, और इसका इन्फ्लुएंस आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में भी बढ़ता है। तो हो सकता है इसमें क्वेश्चन उठा के पूछ ले कि जो आपका लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी है वो क्या सिर्फ आपकी युगांडा तक सीमित थी कि उसका इन्फ्लुएंस आपके बाकी कंट्री में भी था। तो उसका इन्फ्लुएंस इन चारों कंट्री में था, और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को आप ध्यान में रखिए क्योंकि अभी यहाँ पर US पीस मिशन चला रही है, क्योंकि वहाँ पर एक इंटरनल टर्मोइल आया हुआ है, और उस इंटरनल टर्मोइल की वजह से 2 लाख के ऊपर आपके लोग क्या हो चुके हैं, वहाँ से डिस्प्लेस होके या तो युगांडा की तरफ जा रहे हैं या यूथोपिया की तरफ जा रहे हैं। तो हो सकता है कि अफ्रीका के इस लोकेशन से इस बार मैप में क्वेश्चन उठा के पूछ ले, और लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी भी उससे कनेक्ट हो सकती है, ठीक है। और युगांडा के अगर रिलेशन में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो उस केस में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी 2018 में युगांडा का सफर करते हैं तो वहां पर उनने एक ग्रीनिका करके स्कीम लॉन्च की थी, आप उसके ऊपर भी नजर डाल लीजिएगा, क्योंकि अगर युगांडा पे क्वेश्चन बनता है तो हो सकता है उसको वहां से भी कनेक्ट कर लिया जाए। अब एग्जैक्टली क्या होगा वो तो पेपर बताएगा, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जम्पशन हम उसको भी एक तरह से ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है, जो अगला न्यूज है, वो है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी काउंसिल का। ये जो आपका स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी काउंसिल है, इसका हेडक्वार्टर ब्रिटेन में है, और इसका हेडक्वार्टर ब्रिटेन में होने के साथ ये जो आपकी दो ऑब्जर्वेटरीज बन रही है मेजरली, ये जो एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी बन रही है। अब ये एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी जो है ठीक, ये पहली बार 1931 में बना था, और इसके बाद इसका जो सिग्निफिकेंस है, सबसे मेजर इसका सिग्निफिकेंस वर्ल्ड वॉर टू के बाद से अमर्ज होकर आता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू में जो 1931 में आपके रेडियो जो टेलीस्कोप बना था उसने काफ़ी बड़ा किसमें रोल प्ले किया, आपके इंस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में जो मैसेजिंग होते थे उसके इंस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में रोल प्ले किया, और इसकी वजह से ये क्या एक तरह से चलन में आना शुरू हुआ। करेंटली इंडिया भी इसका मेंबर है, ठीक है, और इंडिया के साथ इसके और कौन कौन मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया मेंबर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ही ये आपका बन रहा है, उसके बाद साउथ अफ्रीका इसका मेंबर है, कनाडा इसका मेंबर है, ब्रिटेन इसका मेंबर है, चाइना इसका मेंबर है, न्यूजीलैंड इसका मेंबर है। तो एक बार आप मैप उठा के देख लीजिएगा कि कौन कौन व्यक्ति इसके मेंबर हो रहे हैं, कौन सा है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी का, ये रेडियो टेलीस्कोप है, रेडियो एस्ट्रोनॉमी टेलीस्कोप है। और इंडिया एक और बड़े वर्ल्ड के सबसे बड़े जो टेलीस्कोप बन रहा है उसका भी मेंबर है, वो है आपका जो 30 मीटर जो आपका टेलीस्कोप है, जो हवाई में लगने वाला था पहले, माउंट क्यू में लगने वाला था, उसका मेंबर है। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, जो हवाई वाला है वो एक अलग पर्पस के लिए बन रहा है, और ये जो आपका स्क्वायर किलोमीटर वाला जो है SKO एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी वो अलग पर्पस के लिए बन रहा है, ये आपका रेडियो ऑब्जर्वेटरी है, वो आपका एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है, वो मेनली आपके किसके इस्तेमाल में आएगा, वो आपके जो सैटेलाइट जो आपके एस्ट्रॉइड्स हैं और जो आपके प्लैनेट्स हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स उसके ऑब्जर्वेशन में आएगा, ठीक है। और ये जो आपका है ये मेनली आपके कम्युनिकेशन के रेस्पेक्ट में वर्क करेगा, ठीक है। तो ये दोनों का पर्पस अलग है, ये दोनों का जो वो है बेसिस है वो भी अलग है, तो वहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, और इस केस में मैंने आपको उन दोनों के बारे में क्लेरिफाई कर दिया। उसके बाद दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है, अगला स्टेटमेंट है आपका मुनप्पा हार्डवेयर पेपर से। अब ये जो मुनप्पा हार्डमेंट पेपर है इसको मैं सबसे पहले दिखा दूँ कि ये कैसे बनता है। तो मुनप्पा कुछ इस प्रकार से इसको तैयार किया जाता है, ठीक है। अब इस मुनप्पा हैंडमेड पेपर का सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आपके स्क्रिप्चर्स जो हैं, जो आपके बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स हैं उनको प्रिजर्व करने के काम आता है, और बेसिकली ये तवांग जो रीजन है, जो तवांग में मोनेस्ट्री है वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में रहता है। अब यहाँ पे जो पेड़ इस्तेमाल होता है उसके बारे में लिखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और वो जो पेड़ है उसको शुंगा शिंग कहते हैं, ठीक। तो जिसकी खाल से ये बनता है उसका नाम है शुंगा शिंग। अब शुंगा शिंग को याद रखने के लिए जो शुंगा डायनेस्टी है वहाँ से शुंगा और शिंग,
ये वहाँ पे एक तरह से जो आपका टिबेटियन लैंग्वेज है उसके इन्फ्लुएंस की वजह से ऐसा नाम आ रहा है, और ये मोंगपा आपका हैंडमेड पेपर आ रहा है। और हमने देखा कि वहाँ पे लोग उसको ये जो जो खाल है आपकी शुंगा शेंग की खाल उसको लेते हैं और उसको क्या करते हैं फिर उसके ऊपर वर्क करके इस पेपर को डिज़ाइन करते हैं। और मेनली ये जो पेपर है आपके किस काम में आता है, जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स हैं उनको सहेजने के काम में आता है, जैसे हमारे मेनुस्क्रिप्ट्स काम में आया करते थे, ठीक उसी प्रकार से। और इसके बारे में एक और चीज़ है जो जानना ज़रूरी है कि इस पर्टिकुलरली को आपके किसके ज़रिए कंजर्व किया जा रहा है, केवाईसी। केवाईसी क्या है? आपका खादी, जो खादी आपका अभियान चलता है उसके तहत केवाईसी जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर आता है और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंदर आता है, वो इसको क्या कंजर्व करने का काम कर रही है। और जिसके अंदर इसको कंजर्व कर रही है वो है आपका कुम्हारा सशस्त्रीकरण योजना, ठीक है। तो यहां से तीन चार चीजें कनेक्ट हो रही हैं। पहला, ये जो आपका मुनप्पा है वो हैंडमेड पेपर है, ये अरुणाचल में प्रीडोमिनेंटली अरुणाचल में इसका सिग्निफिकेंस है। और ये आपके कहाँ, तवांग मोनेस्ट्री में यूज होता है। किसके खाल से यूज होता है? शोंगा शिंग के खाल से यूज होता है। और इसको जो केवाईसी है वो इसको प्रिजर्व करने का काम कर रही है, जो खादी उद्योग से जुड़ी हुई इंडस्ट्री है, ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में आती है। और ये आपके कुम्हारा सशक्तिकरण योजना के तहत इसको कंजर्व किया जा रहा है। अब दोस्तों ये जो अगला है ये है आपका कपिला। कपिला स्टैंड फॉर कलाम साहब के नाम पे रखा हुआ है इसको, कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। अगर मेरे को आप, अगर मेरी राइटिंग एलिजिबल नहीं है तो मैं इसको एक बार प्रोनाउंस भी कर देता हूँ। तो ये क्या है आपका, कपिला स्टैंड फॉर कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी के नाम पे है, जिसको जाहिर तौर पे आप पहचान गए होंगे। अब ये काम क्या करेगा? जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में जो आईपीआर को लेकर जो सबसे बड़ा ग्रीवेंसेज है अक्रॉस द वर्ल्ड, वो ये है कि हमारे यहाँ जो आईपीआर रिजीम है वो स्ट्रांग नहीं है। और इसी की वजह से हमको कई बार कहाँ डब्ल्यूटीओ में इसकी वजह से खचिड़ा जाता है। और इसकी वजह से ही हमारे यहाँ जो एक लोकल आरएनडी का इनोवेशन सेंटर क्रिएट नहीं हो पा रहा, हमारे आरएनडी का इकोसिस्टम क्रिएट नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारे यहाँ जो आईपीआर है वो काफी वीक है। और आईपीआर वीक होने के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है, एक तो कानून काफी पुराने धड़े पे काम कर रहा है, लेकिन हाल में 2016 में उसमें कई सारे रेटिफिकेशन किए गए, जिसकी वजह से अब कहीं ना कहीं वो अगर वर्ल्ड लेवल पे नहीं तो कम से कम अकॉर्डिंग टू टाइम वो कुछ ना कुछ जो रिक्वायरमेंट्स है उसको तो सर्व कर रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि अभी भी हमारे यहाँ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेके जो अवेयरनेस होनी चाहिए, जो पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, वो नहीं है। और पब्लिक अवेयरनेस नहीं होने की वजह से जो सबसे बड़ा घाटा होता है वो क्या होता है, वो क्रिएटर्स का होता है। और क्रिएटर्स कई बार अपनी जो क्षमता है उसको कंजर्व करने में, उसको प्रिजर्व करने में और उसको रजिस्टर कराने में असंभव होते हैं, जिसका क्या फ़ायदा कौन सी कंपनीज उठा लेती हैं, फॉरेन की कंपनीज उठा लेती हैं। तो इस केस में ये एक इंपॉर्टेंट आपका क्या है, अभियान है, जिसके तहत अवेयरनेस फैलाया जाएगा। और साथ में इसी को हम क्या करते हैं, इसी को स्ट्रेंथन करते हुए पब्लिक टू परफॉर्मेंस का जो हिसाब है उसको भी हम क्रिएट कर पाएंगे, अपने आईपीआर रेजिम को भी स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। अगला है दोस्तों आपका, डेनमार्क एक आर्टिफिशियल इंजीनियर एनर्जी आइलैंड बना रहा है। और ये जो आपका आर्टिफिशियल एनर्जी आइलैंड है ये आपके नॉर्थ सी में बन रहा है, नॉर्थ सी में बन रहा है ये आपका पर्टिकुलर आइलैंड। और इसमें मेजरली क्या होगा, मेजरली आपका यहाँ पे सोलार विंड सबसे ज़्यादा आपके यूज़ में आने वाला है। तो यहाँ पे सोलार बेस्ड एक तरह से इकोसिस्टम क्रिएट किया जाएगा, यहाँ पे पावर सेंटर क्रिएट किया जाएगा। और साथ में जो टर्बाइन बेस्ड आपके जो सी ट्राइब जो सी आपका टाइडल एनर्जी है उसका भी इस्तेमाल इस पर्टिकुलर आइलैंड प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। ये करीब करीब आपके 200 बिलियन डेनमार्क डॉलर में है, ठीक।
तो काफ़ी एक बड़ा प्रोजेक्ट है ये, डेनमार्क के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। और मज़े की बात ये है कि ये जो आपका आइलैंड है वो एक तरह से नई अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर रहा है, और जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो ग्रीवेंसेज रहे हैं और डेवलपमेंट और क्लाइमेट का जो एक क्लैश रहा है उसके बीच का एक एम्प्लीकेबल सॉल्यूशन ढूंढने की बात हुई है। और ये आपका कहाँ पे है, ये आपके नॉर्थ सी में है। नॉर्थ सी में आप जाके देखिए, वहाँ पर आप लोकेट कीजिए कि वहाँ पर कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर आपको ब्रिटेन मिलेगी, उसके बाद वहाँ पर आपको डेनमार्क मिलेगा, फिर वहाँ पर आपको बेल्जियम मिलेगी। तो वो जितनी कंट्रीज़ हैं वहाँ को एक बार निकाल के देख लीजिए, क्योंकि उससे रिलेटेड ही कुछ दिन पहले एक तरह से सी वॉल क्रिएट करने की बात हुई थी, जिसकी वजह से क्या जो फ्लड्स आते हैं, आपके जो साइक्लोन्स आते हैं, उनको रेजिस्ट किया जा सके। तो वो भी आपके कहाँ पे था, नॉर्थ सी में था। इसके बाद दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर टू बी एबल टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डायरेक्टली, ये आरबीआई ने एक प्रपोजल दिया है। कि अभी तक क्या होता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, ये बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर्स क्या है, मतलब जो आपके सेकेंडरी मार्केट में जो आपके इन्वॉल्व होते हैं, और इनके पास एक तरह से जो परचेजिंग पावर है वो काफ़ी सीमित होती है। ज़्यादा से ज़्यादा वो एक तो उनके पास परचेजिंग पावर सीमित होती है, और दूसरा ये इनका जो प्रेफरेंस रहता है वो सिक्योर्ड बॉन्ड में पैसा लगाने का रहता है। अब मुद्दा ये उठ रहा है कि जैसे जैसे आपका सेंसेक्स ग्रो कर रहा है, वैसे वैसे ये एक तरह से ऑब्जर्वेशन आपके मार्केट इंडस्ट्री से, फाइनेंशियल सेक्टर से भी आ रही है, और इसके लिए गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि अब क्या पब्लिक का जो अवेयरनेस है, पब्लिक का जो इंटरेस्ट है, वो कैपिटल मार्केट, जो फाइनेंशियल मार्केट, उसके तरफ इंट्रोड्यूस कराया जाए। और उसमें सबसे पहले आरबीआई गवर्नमेंट सेक्टर्स जो आपके जो सिक्योरिटीज बॉन्ड हैं उनके थ्रू कराना चाहता है, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट है वो मेनली आपके बैंक्स में होते हैं। अब तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आपका म्यूचुअल फंड्स में होना शुरू हुआ है, लेकिन वो ज्यादातर आपके इन्वेस्टमेंट क्या है, वो आपके बैंक्स और थोड़ी मात्रा में म्यूचुअल फंड में होते हैं, और बहुत ही कम सेरा जो है वो आपके फाइनेंशियल मार्केट में लगता है। लेकिन अगर आप एक तरफ देखिए कि फाइनेंशियल मार्केट वो जगह रही है जहाँ पे पूरा वर्ल्ड कोलैप्स में रहा है, लेकिन अक्रॉस द वर्ल्ड की जो फाइनेंशियल मार्केट्स रही हैं, शेयर मार्केट रही हैं, वो राइज पे रही हैं। और शेयर मार्केट की राइज के रहने की वजह से ही क्या हुआ है, एक तरह से आपका बहुत बड़ा जो पैसा है वो बड़े बड़े धन्ना सेठों ने कमाया है, वो आपके बड़े बड़े जो वेल्थ आपके जो पहले से वेल्दी लोग हैं उनने कमाया, चाहे वो कंपनीज हों या फिर जो आपके शेयर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व जो आपके लोग हैं वो हों। तो अब यहाँ पे एक तरह से वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको और ज़्यादा क्या डेमोक्रेटाइज करना चाहती है, पहला चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ से जैसे जैसे आपका इंडिविजुअल बेस बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके क्या जो मार्केट में जो छोटी छोटी कंपनियाज हैं उनका भी एक तरह से स्कोप बढ़ेगा, कि वो मार्केट के थ्रू अपना जो बॉन्ड, अपना जो शेयर है वो रेस कर सकती हैं, अपना जो मार्केट वैल्यू है वो इंक्रीज कर सकती हैं। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से दो पर्टिकुलर चीज़ें एड्रेस होंगी, नहीं तो जो आपकी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ थी, या तो कोई बड़ी बड़ी आपकी फॉर्म्स खरीद लेती थी, या दूसरे सेंट्रल बैंक्स, दूसरे कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक्स खरीद लेते थे। तो अब कुछ सेगमेंट्स आपकी मेरे ख्याल से रिजर्व करेगी आपकी आरबीआई, और उसको हो सकता है आप, मैं जो, या फिर हमारे जैसे जो ऑल रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इसको खरीद सकेंगे। तो देखते हैं इसके में आगे क्या आएगा। इसके बाद दोस्तों, जो अगला न्यूज़ है वो है आपका रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पार्टीज़ का। एडीआर की रिपोर्ट है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उसने एक स्टडी की और उसने ये पाया कि हाल के 10 सालों में आपकी जो अनरिकॉग्नाइज पार्टियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि अनरिकॉग्नाइज पार्टियां कौन सी हैं। अभी अनरिकॉग्नाइज पार्टियां मेनली जो पार्टियां हैं वो आप जैसे आप बीजेपी को जानते हैं, आप कांग्रेस को जानते हैं, आपको जानते हैं, आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को जानते हैं। तो आप ये क्या, ये एक तरह से रिकॉग्नाइज पार्टी हैं, और ये टेक्निकल और आपके लीगल फ्रेमवर्क में भी एक ये रिकॉग्नाइज पार्टी हैं। रिकॉग्नाइजेशन और नॉन रिकॉग्निशन का जो सवाल है वो कहाँ से डिसाइड होता है, वो आपका सवाल डिसाइड होता है आरपीए एक्ट 1951 से। रिकॉग्नाइज पार्टी वो पार्टी होगी जो आपके सेक्शन 29 में फॉर्म होगी, ठीक है। अनरिकॉग्नाइज पार्टी भी आपकी सेक्शन 29 में फॉर्म होंगी, तो मतलब जितनी भी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म होती हैं वो आपके सेक्शन 29 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत फॉर्म होती हैं।
अब होता यह है कि कई पार्टीज क्या रहती हैं, काफी नई रहती हैं। अब जो पार्टीज एक्सट्रीमली नई हो या फिर कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो हो सकता है उनका एग्जिस्टेंस काफी समय से हो, लेकिन वो जो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ जो वोट चाहिए, कम से कम 1% ऑफ द जो वोट चाहिए, उसको वो क्या नहीं कर पा रही हैं, कैप्चर नहीं कर पा रही हैं। तो दो कंडीशन में आपकी पार्टीज अनरिकॉग्नाइज होंगी, या तो बहुत ही नई पार्टी आपकी बनी हो, या फिर आपकी जो पार्टी है वो बहुत सालों से तो लड़ रही हो लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा उसका क्या पब्लिक बेस ना बना हो, मतलब उसका जो पब्लिक वोटिंग कैप्चर पावर है वो 1% से भी लेस हो, तो उस केस में वो अनरिकॉग्नाइज पार्टी होगी। अब अनरिकॉग्नाइज पार्टी के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि कई बार जो आपकी अनरिकॉग्नाइज पार्टी है, कई बार ऐसे इलेक्शन हो रहा हो, कई बार अचानक से बहुत सारी पार्टियां एक ही नाम की और आसपास के सिंबल की क्रिएट हो जाती हैं, तो उसके पीछे एक पॉलिटिकल मोटिवेशन होता है, उसके पीछे एक पॉलिटिकल मूव रहता है, वो तो एक कंडीशन है ही। साथ में दूसरा कंडीशन यहाँ पे ये होता है कि कई बार आपकी जो अनरिकॉग्नाइज पार्टी हैं अगर वो जेन्युइन नेचर से अगर खुल रही हैं तो वो इसमें दब जाती हैं। कैसे कि जो आपकी अनरिकॉग्नाइज पार्टी है, सबसे पहले उसको सिंबल मिलने का जो चांस है वो ना के बराबर रहता है, मतलब उसको आए बाए कुछ भी सिंबल मिलेगा, जो सिंबल उस समय वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के पास होगा वो उसको दे दिया जाएगा। जैसे कि एनसीपी जो घड़ी छाप है वो इलेक्शन जब लड़ती है महाराष्ट्र में तो उसका घड़ी छाप है क्योंकि वहाँ की वो स्टेट पार्टी है तो वहाँ पे मिल जाता है, लेकिन वो जब बिहार में इलेक्शन लड़ रही थी तो उसको चम्मच छाप से लड़ना पड़ा था क्योंकि वहाँ पे वो एक तरह से न्यू पार्टी थी, अनरिकॉग्नाइज पार्टी थी, और इसके वजह से उसको वहाँ पे चम्मच छाप से लड़ना पड़ गया था। और ये किस्सा ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीपी के साथ होता है, ये किस्सा भाजपा के साथ भी हो चुका है, ये किस्सा आपके किसके साथ, कांग्रेस के साथ भी हो चुका है। तो पहली बात, यहाँ पे अनरिकॉग्नाइज पार्टी का जो पहले दिक्कत है वो आपका पॉलिटिकल में जो मूव्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट करके बता रहा हूँ कि उनको सिंबल नहीं मिलता। दूसरा यहाँ पे केस आता है, वो केस क्या है? वो केस ये है कि अगर उनको जो रोल मिलते हैं, रोल क्या, इलेक्टोरल रोल, जिसमें मतदाता सूची, और एक तरह से आप देखते होंगे जब भी इलेक्शन शुरू होता है तो भारत में एक रिवाज है कि हर किसी के मैनिफेस्टो के ऊपर जो इलेक्टोरल रोल में कि आपका फलाना बूथ पे आपको वोट डालना है, आपको फलाना नंबर है, ये सब चिपका होता है, और वो एक्चुअली वो लोग को कहाँ से मिलता है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको देता है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जितनी भी अनरिकॉग्नाइज पार्टी है उनको इलेक्टोरल रोल नहीं देता है। इसके बाद फिर जो आपकी बाकी सुविधाएं हैं जैसे एडवर्टाइजमेंट करने का जो अधिकार है वो भी नहीं मिलता, वो मेनली एडवर्टाइजमेंट करने का अधिकार आपके डीडी, दूरदर्शन, आकाशवाणी, इन सब में मिलता है, लेकिन वो बड़ी पार्टियों को मिलता है। तो जाहिर तौर पर कई बार जो रिकॉग्नाइज पार्टी होती है, छोटी पार्टी होती है, उनको भी नहीं मिल पाता है क्योंकि वो फ्री स्लॉट रहता है। और इसलिए आप देखेंगे जिसकी गवर्नमेंट रहेगी उसी का प्रचार आपके किसमें, दूरदर्शन, आकाशवाणी में ज्यादातर चलता है, और उसके बाद जो मेजर अपोजिशन पार्टी रहती है उसका चलता है। तो लेकिन फिर भी पर्क्स गिना रहे हैं तो वो भी गिना दिया जाए, तो उनको वहां पे फ्री एडवर्टाइजमेंट का जो मुद्दा है वो भी नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत इनके साथ क्या होती है, इनके साथ दिक्कत हो जाती है प्राइस कैपिंग पे। प्राइस कैपिंग में दिक्कत ये हो जाती है कि अगर मान लीजिए भाजपा का कोई कैंडिडेट लड़ रहा है और प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पे प्रचार करने आते हैं, तो भाई अब प्राइम मिनिस्टर मोदी से बड़ा नेता कौन है इस टाइम देश में? तो भाई वो अगर आ रहे हैं तो उनके आने जाने का खर्चा, उनकी रैली का खर्चा करोड़ों में बैठता है, लेकिन अगर वो अनरिकॉग्नाइज पार्टी है तो वो जो खर्चा है वो कैंडिडेट के में चार्ज हो जाएगा, और इस केस में हो सकता है कि कैंडिडेट इल एलिजिबल हो जाए चुनाव लड़ने के लिए। तो जो आपका अनरिकॉग्नाइज पार्टी है उसके साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो आपका मैनेजमेंट, वो आपका फंड मैनेजमेंट, वो आपका बजट मैनेजमेंट में निकल जाता है, क्योंकि अगर वो अनरिकॉग्नाइज पार्टी है तो उस केस में वो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं बुला सकता, कोई बहुत बड़ा रैली नहीं कर सकता। अगर वो 100 100 एकड़ के ग्राउंड में रैली कर रहा है और वो उससे पूछा जाए कि तेरा खर्चा कितना हुआ है, मतलब आपका खर्चा कितना हुआ, तो उस केस में अगर वो 20 लाख रुपए बोलेगा या 20,000 रुपए बोलेगा तो जाहिर तौर पे पकड़ा जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, उसके बाद इसमें फैक्ट पे भी आऊंगा कि कितना परसेंट बढ़ा क्या हुआ, वो काफ़ी माइनर है, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है वो आपका सेक्शन 29 का बन सकता है, और नेशनल पार्टी किसको बोला जाता है और स्टेट पार्टी किसको बोला जाता है इस पे बन सकता है। तो आपका नेशनल लेवल रिकॉग्नाइज पार्टी जो है उसमें आपके मेनली जो भाजपा है, कांग्रेस है, ये आपकी मेनली 6 पार्टियाज हैं, और इकलौती नॉर्थ ईस्ट से जो आपकी पार्टी बनी है जिसके मेघालय के जो सीएम है उनकी जो पार्टी है वो इकलौती आपकी नॉर्थ ईस्ट से बनी है जिसको नेशनल रिकॉग्निशन मिला है। तो आप जाके उस पर्टिकुलर पार्टी का नाम
नाम देख लीजिएगा, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो ये आपके नेशनल लेवल पार्टीज़ हैं। अब नेशनल लेवल पार्टीज़ होने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, उनको लोकसभा के इलेक्शन में मिलता है। लोकसभा के इलेक्शन में क्या फ़ायदा मिलता है, मैंने वो जो फ़ायदे आपको गिनाए वो फ़ायदा क्या था कि इनको इलेक्टोरल रोल मिलेगा, उसके बाद फिर उनको एडवर्टाइजमेंट कराने, और जो सबसे बड़ी बात, जो आपका स्टार कैंपेनर वाला जो लिस्ट है उसके साथ उनको रियायत मिलती है। जिसको आपका नेशनल पार्टी का तमंगा मिला है वो अपने स्टार कैंपेनर की जो संख्या है वो 20 के ऊपर रख सकता। तो इसी केस में आप देखेंगे जो बड़ी पार्टियाँ होती हैं वो आपके जितने भी बड़े आपकी छवि के नेता रहते हैं, बड़े कद के नेता रहते हैं, उनको इलेक्शन में कुदा देते हैं। जैसे कि हमने भाजपा का देखा था कि आपका कहाँ पे इलेक्शन हो रहा था, आपकी नगर पालिका में इलेक्शन हो रहा था, ग्रेटर हैदराबाद वाला इलेक्शन, लेकिन वहाँ पे अमित शाह जी जाके आपका पूरा प्रचार प्रसार करते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे एक यूफोरिया क्रिएट हो गया और जो इलेक्शन है वो बीजेपी की तरफ टर्न हो गया। तो ये जो फैक्टर्स हैं जो मैं आपको गिना रहा हूँ वो ऐसे तो काफ़ी मिनिस्कुअल लगते हैं, पढ़ने में एक पॉइंट लगते हैं, लेकिन जो उसका ग्राउंड इफेक्ट पड़ता है, जो उसका ग्राउंड रेजोनेंस पड़ता है वो काफ़ी ह्यूज रहता है और इलेक्शन को इधर से उधर कर सकता है। तो सबसे पहली बात, आपकी जितनी भी नेशनल पार्टीज़ हैं वो किसको बोला जाएगा, अगर वो चार स्टेट में क्या हो, स्टेट पार्टी का रिकग्निशन रखती हों, तो उस केस में वो नेशनल पार्टी के लिए क्वालिफाई होंगी। पहला कंडीशन ये है कि अगर वो चार स्टेट में आपकी स्टेट पार्टी का क्वालिफिकेशन रखती हों। अब स्टेट पार्टी क्या है उस पर आऊँगा, लेकिन अभी इसके दूसरा कंडीशन पर चलते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि इसके पास 6% वोट मिला हो और इस 6% वोट के साथ इसके पास एटलीस्ट क्या 4 सीटें आई हों। अब ये जो 6% वोट है, 6% वोट प्लस 4 सीट्स, ये जो 6% वोट है इसको 4 स्टेट से मिला के मिले हों। मतलब मान लीजिए कोई जो पार्टी है, जैसे कि आपकी वो जो नॉर्थ ईस्ट वाली पार्टी है, उसको जो वोट मिला होगा, हो सकता है यूपी और बिहार की जो रीजनल पार्टी है उससे काफ़ी कम मिला होगा, क्योंकि यूपी बिहार की जो जनसंख्या है काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन उसने क्या किया, वो मेघालय में इलेक्शन लड़े, उसके बाद थोड़ा बहुत त्रिपुरा में लड़ लिए, थोड़ा बहुत मिजोरम में लड़ लिए, थोड़ा बहुत मेघालय में लड़ लिए, थोड़ा बहुत आसाम में लड़ लिए, और इन चारों जगह इनने क्या एक तरह से सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वोट कलेक्ट कर लिया, या फिर उन चारों जगह वो स्टेट पार्टी बन गए, इसकी वजह से उनको नेशनल पार्टी का तमंगा मिल गया। तो यहाँ पे 6% ऑफ द वोट प्लस 4 सीटें, और ये जो 6% ऑफ द वोट है वो 4 अलग अलग स्टेट से आनी चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि उनके पास एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल सीट हो, मतलब 11 सीटें उनके पास हो, जो कि आज का जो परिदृश्य है 42-243 सीट्स जो है उसके बेसिस पे, ठीक। तो ये अगर तीन कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन कोई पार्टी क्वालिफाई करती है तो उस केस में वो नेशनल पार्टी होगी। पहला कंडीशन, वो चार आपके स्टेट्स में है, आपकी स्टेट पार्टी का उसके पास रिकग्निशन हो। दूसरा, उसके पास 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स जितने पड़े हो, अगर मान लीजिए एक साल अगर पूरे इलेक्शन में, जैसे इस बार 62 करोड़ वोट पड़ा, तो उस 62 करोड़ का उसके पास 6% वोट हो, और वो जो 6% हो वो ऐसा नहीं कि यूपी से ही आ गया तो काउंट हो गया या पूरा यूपी और बिहार से आ गया, उसके पास 4 डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से उसके पास वोट आने चाहिए, तब वो 6% काउंट होगा, और साथ में उसके पास कम से कम 4 सीटें तो हों, तो उसी केस में वो क्या होगा, उसको नेशनल पार्टी का तमंगा मिलेगा। और अगर वो 6% वोट नहीं ला पा रहा है तो उस केस में क्या करे, वो किसी 3 स्टेट से अपने लिए 2% ऑफ द जो टोटल सीट है 11 सीटों का जोड़ घड़ित कर ले, तो उस केस में उसको नेशनल पार्टी का तमंगा मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको नेशनल पार्टी का जो केस है वो समझ आ गया होगा। अब चलते हैं स्टेट पार्टी की तरफ। तो पहला जो स्टेट पार्टी के साथ कंडीशन है वो ये है कि अगर किसी को स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज होना है तो उसको 3% और 3 सीट दोनों में से जो भी ज़्यादा हो जिसको मिलेगा उसको क्या होगा, उसको स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन मिलेगा। तो 3% या फिर 3 सीटें, अब दोनों में से ज़्यादा जो भी हो, जैसे कि यूपी में आपका 403 सीटें हैं, ठीक है। अब 403 सीटें हैं तो उस केस में इसका अगर 3% निकाला जाए तो 3% इसका कहाँ आता है, करीब करीब 13 सीट के आसपास आता है, ठीक है। तो उस केस में इसको 13 सीट जीतना जरूरी है किसी भी पार्टी को, अगर आप कोई पार्टी बना रहे हैं और यूपी में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपके पास 13 सीट होगी, तो उस केस में आपको स्टेट पार्टी का दर्जा मिलेगा। अब हम छत्तीसगढ़ में आते हैं, छत्तीसगढ़ की जो कुल संख्या है वो है 90। अब 90 का 3%
तो एक तरह से दो के भी कम हुआ, 2.7 आता है, तो उस केस में उसको 3 सीटें जीतना जरूरी है। ठीक है, अगर यहाँ पे 120 सीटें होती या फिर 120 सीटें टाइप का अगर मैं कोई आपका स्टेट ले लूँ, जैसे कि आपका मैं क्या ले रहा हूँ, आपका मैं लेता हूँ उड़ीसा। उड़ीसा में मेरे ख्याल से टोटल सीटें एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, लेकिन 120+ है, क्योंकि 120+ थी तभी वो अपने यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने की मांग कर रहे थे। तो उस केस में क्या होगा, 3 सीटें नहीं, 3% यहाँ पे मैटर कर जाएगा। तो मतलब 100 सीटों से ज़्यादा है तो उस केस में 3%, 100 सीटों से कम है तो उस केस में 3 सीटें। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, उसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा कंडीशन है वो ये है कि आपके पास 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट हो और साथ में आपके पास क्या हो, 2 सीटें हो। ठीक है, 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट हो और साथ में आपके पास 2 सीटें हो। अब ये जो सीटें हैं वो आपके एमपी और एमएलए ये दोनों के इलेक्शन में काउंट हो सकती हैं। वहां पे जो था वो अभी आपके एमपी और एमएलए के इलेक्शन में था, लेकिन मैंने उसको सिर्फ एमपी के इलेक्शन में बताया, क्योंकि वहां पे अगर मैं एमएलए भी जोड़ता तो उस केस में जो मैंने पहला एग्जांपल दिया था कि 4 स्टेट में आपको क्या होना है, आपको स्टेट पार्टी होना है, उसमें आप कंफ्यूज हो जाते। तो अब यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि वो अगर वो सेकेंड कंडीशन में एमएलए वाला जोड़ता तो भी जो मैंने फर्स्ट कंडीशन बताया था वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाती। तो पहला यहाँ पे 6% आपके पास वोट हो और 2 सीटें हों। जैसे कि मान लीजिए छत्तीसगढ़ में अगर आपको यहाँ पे स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल करना है तो हमारे यहाँ करीब करीब 1 करोड़ के आसपास वोट गिरता है। तो 1 करोड़ वोट गिरता है मतलब आपके पास 6 लाख सीटें हों। अब 6 लाख सीटें तो हो ही हो, साथ में आपके पास क्या, या तो 2 एमपी हों या 2 एमएलए हों, उस केस में आप यहाँ पे स्टेट पार्टी इमर्ज होकर आएंगे। तो ये दोस्तों आपका स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी का हिसाब होता है। अब चलते हैं वापस से, जो आपका न्यूज़ आया था तो न्यूज़ बता रहा था कि अभी इंडिया में करीब कितनी, अकॉर्डिंग टू आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 2300 से ज़्यादा पार्टियां आपकी रजिस्टर्ड हैं। अभी आपकी 2300 से जो पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, इसमें जो सबसे बड़ा चंक है वो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियों का है। ये अनरिकॉग्नाइज पार्टियां जो हैं, इनकी बाढ़ कब आती है, जब भी बड़ा इलेक्शन आता है, लोकसभा आता है, यूपी का इलेक्शन आता है, बिहार का इलेक्शन आता है, और अभी जो बंगाल का इलेक्शन आया, तो उस केस में आपकी जो पार्टियों की जो संख्या है वो अचानक से एक्सप्लोड कर जाती है। और ये कितना है, ये आपके 2000 के भी एक्सीड है। मतलब अगर आप देखेंगे 2300 में से 2000, काफ़ी बड़ा चंक जो है वो आपके किस में है, वो आपका मोर देन 80% आपका अनरिकॉग्नाइज पार्टी में है। और इस पे सबसे बड़ा सवाल इसलिए उठता है क्योंकि ये जो ज़्यादातर पार्टियां हैं वो क्या कर रही हैं, एक तरह से जो सीरियस कैंडिडेट पार्टीज हैं उनके लिए स्पेस खा रही हैं, साथ में पॉलिटिकल जोड़ घड़ित में क्या हो रहा है, एक तरह से ये आपका जो आपका इलेक्शन सिस्टम है वहाँ का जो लूपहोल है उसका भी फायदा उठा रही हैं। और इसी के लिए आपके सेक्शन 29 में क्या किया गया है, रिकमेंडेशन की गई है कि सेक्शन 29 को आरटीआई के अंडर लाया जाए, कि जैसे ये सेक्शन 29 आरटीआई के अंदर आएगा तो उस केस में क्या होगा, ये जो आपकी 2000 पार्टियां हैं या फिर ऐसी जो अचानक से आपके इलेक्शन होती बाढ़ आना शुरू होती है तो उस पर क्या रोकथाम लग पाएगा। तो इसीलिए ये जो आपका न्यूज़ था ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट था। पॉलिटी से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने उसको ये बताया, उसके बाद गवर्नेंस से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने उसको वहां से डील किया, उसके बाद एथिक्स में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने उसको वहां से डील किया। अब दोस्तों यहां पे जो दूसरा केस है ये है आपका नो ब्लैंकेट नोट गिवन फॉर सर्वेलेंस। ये आपका स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहां पे दिया है, ये दिल्ली हाई कोर्ट में सबमिट किया है। और इसने बोला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन किस पे उठ रहा था, एक तरह से जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उठा रही थी कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ द डे है, वो सर्विलेंस में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को वो कर रही है और वो स्टेट सर्विलेंस, स्टेट पुलिस जो आपका पुलिस स्टेट है उसमें कन्वर्ट कर रही है पूरी डेमोक्रेसी को। तो यहाँ पे आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एफिडेविट जमा किया और उसने क्या किया, पूरी तरह से डिनाई किया इन सारे इंफॉर्मेशंस को। और उसने बताया है कि जो आपका मेनली सर्विलेंस जो है वो आपके टेलीग्राफ एक्ट,
और आपका जो दूसरा है इंफॉर्मेशन, आईटी इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 और टेलीग्राफ एक्ट 1885, मिली इन दो आपके एक्ट से ही आपका क्या जो पावर है वो आपकी स्टेट्स को मिलते हैं आपके जो सर्वेलेंस करने का। लेकिन अब उसमें उसने बोला है कि सर्वेलेंस के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो एक पैरामीटर डिसाइड किया है उसको फॉलो किया जाता है, और वो पैरामीटर क्या है कि कोई भी ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल का आपके सेंटर में या फिर आपके सेक्रेटरी लेवल का स्टेट में उसके नीचे का व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं है बकायदा आपके जो सर्वेलेंस के जो परमिशन ग्रांट होते हैं उसके लिए। तो उनने कहा है कि यहाँ पे एक प्रॉपर चेक एंड बैरियर रख रही है गवर्नमेंट, और उसने ये भी बताया कि वो किन किन सिस्टम के तहत आपके क्या करता है वो आपके सर्वेलेंस को करता है। उसके बाद जो जब जेटली साहब ने इस पर्टिकुलर बिल को पास किया था कि 10 डिफरेंट डिफरेंट आपकी सेंट्रल एजेंसीज को क्या एक तरह से सेक्शन 79 में अमेंडमेंट करके उनको पावर प्रोवाइड की गई थी जिससे क्या वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ कॉपरेशन कर सके, और उसी बेसिस पे ये जो अब का फियर है वो क्रिएट हुआ था कि जो गवर्नमेंट है वो सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट में जो अमेंडमेंट किया है और उसने जो 10 आपकी सेंट्रल एजेंसीज को ताकत दी है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वो मिसयूज हो रहा है। तो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया, उसके बाद ये केस बताया। अब यहां पे भारत सरकार ने कहा है कि वो यहां पे तीन मेनली आपके किसमें वर्क कर रही है, तीन आपके मॉनिटरिंग सिस्टम है। पहला आपका सीएमएस है, दूसरा आपका नेत्रा है और तीसरा आपका नेटग्रिड है। ठीक है, तो ये तीन आपके बेसिकली आपके सर्वेलेंस में उपयोग में आ रहे हैं। जो आपका सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है ये इसमें आपके जो फोन के जो सर्वेलेंस होते हैं वो कंडक्ट किए कराए जाते हैं, और इसको कंडक्ट कौन करता है, इसको जो कंडक्ट करता है वो आपका टेलीकॉम इन्फोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग सेल है, टेलीकॉम इन्फोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग सेल। तो इसके तहत जो सीएमएस है, सीएमएस स्टैंड फॉर सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम। सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम एक तरह से जो आपकी फोन का जो सर्वेलेंस है उसको कंडक्ट किया जाता है, लेकिन उसके लिए भी प्रकायदा आपके हयाकी बनी हुई है कि यहाँ पे अगर स्टेट लेवल पे हो रहा तो ये पर्टिकुलर व्यक्ति, और चूंकि ये आपके किससे जुड़ा हुआ, ये आपके टेलीकॉम से जुड़ा हुआ, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम इसका क्या देगा, परमिशन देगा और टेलीकॉम इन्फोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग सेल इसको कंडक्ट करेगा। तो इस केस में आपका ये पहला सिस्टम वर्क करता है। दूसरा सिस्टम जो है वो उसको कहा जाता है शॉर्ट में नेत्र, और नेत्र स्टैंड फॉर नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस। अभी जो नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस है इसमें आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है। डीआरडीओ ने इस पर्टिकुलर आपके सिस्टम को बनाया है, और इसके तहत जो आपकी जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट की इंटेलिजेंस एजेंसी है, एक्सटर्नल एजेंसी है, रॉ, उसके बाद जो हमारी आईबी है, ये सारी कोऑर्डिनेट करती हैं और उसके तहत आपके ये नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस पे वो काम करती हैं। जो आपकी मनी लॉन्ड्रिंग का अगर कोई केस आता है तो जो डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस है वो वर्क करता है, उसके बाद फिर आपके जो आईबी का अगर कोई केस बनता है तो उस केस में आईबी वर्क करती है, एक्सटर्नल आपके मैटर्स से रहते हैं तो रॉ करते हैं, और एक दूसरे के साथ ये इनपुट शेयर करते हैं जो आपके नेत्र में एक्ट करते हैं। और नेट ग्रिड में क्या होता है, नेट ग्रिड आपका जो है वो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है जिसमें क्या किया जाता है, आपको जो आपकी एक्सटर्नल एजेंसीज हैं साथ में आपकी जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है इन दोनों को कोलैबोरेट कराया जाता है। तो इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी प्लस एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी और इन्फोर्समेंट एजेंसी, इन तीनों का एक समावेश है। मतलब कि अगर रॉ को ये जानकारी मिलती है कि बिहार में या छत्तीसगढ़ में पर्टिकुलरली ऐसा कोई टेररिस्ट एक्ट होने वाला है, तो उस केस में क्या होगा, वो नेट ग्रिड का इस्तेमाल करके
वो छत्तीसगढ़ पुलिस, बिहार पुलिस को ये इंफॉर्मेशन देगी और वो पूरा आपका जो इंफॉर्मेशन ट्रांजेक्शन है ये नेटग्रिड के थ्रू बिहार के और छत्तीसगढ़ के साथ साथ अगर वो चाहे तो बाकी स्टेट्स को भी अलर्ट पे डाल सकती है। तो ये तीनों का अलग अलग पर्पस, पहला जो CMS है वो आपके टेलीफोन सर्वेलेंस के लिए यूज़ होता है, सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम CMS। दूसरा आपका नेत्र, नेत्र स्टैंड फॉर नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस, इसमें आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करती हैं। और इस पे जो आपका मॉनिटरिंग होता है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है। और जो आपकी तीसरी नेट ग्रिड है इसमें आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी साथ में इन्फोर्समेंट एजेंसी, इन्फोर्समेंट एजेंसी मतलब आपकी पुलिस हो गई, आपके BSF हो गए, जो आपकी एग्जीक्यूशनरी आर्म है, वो दोनों कोलैबोरेट करते हैं। तो ये तीनों का ब्यौरा और ये जो बाकी इसके ऊपर जो क्लैरिफिकेशन था जो सेक्शन 79 में अमेंडमेंट हुआ था इंफॉर्मेशन एक्ट में और जिसके तहत 10 डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज को पावर दी गई थी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की, उसके ऊपर जो प्ली डाली गई थी उसका एफिडेविट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सबमिट किया है। ये जो न्यूज़ है वो वापस से रिपीट हो गई है। यहाँ पे देखते हैं ये जो 16 नंबर का न्यूज़ है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 16 नंबर का न्यूज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 3 दिन पहले 18 मिनट का एक आपका क्या हुआ था, डिप्लोमेसी इज़ बैक, US इज़ बैक, ये जो दो शब्द हैं इनके बारे में आप काफ़ी ज़्यादा सुन रहे होंगे क्योंकि बाइडन जो है, US प्रेसिडेंट बाइडन, उनने संबोधन दिया वर्ल्ड को और वहाँ पे इनने ये जो दो कड़क शब्द है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल नॉर्म्स उनका इस्तेमाल किया। और उस पूरे 18 मिनट के भाषण में आपके जो कंट्रीज को मेंशन मिला वो थी म्यांमार, क्योंकि म्यांमार का जो सिचुएशन है वो आपके आर्मी कूप के बाद से एक तरह से पूरा इंटरनेशनल स्पीयर में छाया हुआ है। चाइना एक जाहिर तौर से US के लिए एक बड़ा चैलेंजर के रूप में आया है, इसका ऑल टाइम फेवरेट रशिया, सीरिया, यमन, ठीक है। तो इन मेजरली ये 5 कंट्री के बारे में जिक्र था। सबसे पहले मैं यमन से शुरुआत करता हूँ क्योंकि आज ही मैंने पेपर में पढ़ा कि यमन में जो एक तरह से बाइडेन के आपके स्पीच में यमन को लेकर क्या घोषणा हुई थी कि यमन में जो अभी सिविल वॉर चल रहा है और सिविल वॉर में जो आपका असिस्टेंस मिल रहा था US की तरफ से, चाहे वो आर्म्स डील के तरफ से मिल रहा हो, जो इंटेलिजेंस जिसकी तरह भी मिल रहा था, वो टोटली स्टॉप होंगी। और इस स्टॉपेज के साथ उनने किसको एश्योर किया था, आपकी सऊदी को एश्योर किया था कि वो उसकी सॉवरेनिटी के लिए भी पूरी तरह से क्या है, कमिटेड है। तो यहाँ पे इस पूरे स्टेटमेंट की 2 आज एप्लीकेशन देखने को मिला। पहला एप्लीकेशन ये देखने को मिला कि जो ब्लिंकन है, एंटोनी ब्लिंकन, उनने बात की आपके सऊदी अरेबिया से, जो भी उनके काउंटर पार्ट होंगे वहाँ पे, उनसे बात की और उनको इस पूरे जो आपका स्टेटमेंट है उसका ट्रांजैक्शन उनने बताया, उसका जो एक्सपेंशन है, जो कम्प्रीहेंशन है, वो उनको डील किया। और दूसरी चीज़, यमन में जो हूती ग्रुप है, और मेनली हूती ग्रुप आपके किसके द्वारा सपोर्टेड है, ईरान के द्वारा सपोर्टेड है, और हूती ग्रुप को आपका ब्लैकलिस्ट किया गया था, टेरर आपकी एजेंसी के रूप में उसको डिस्टिंग्विश किया गया था, तो उसको क्या किया गया, आपकी जो टेरर लिस्ट है उसमें से आउट कर दिया गया है। तो एक तरह से क्या करने की कोशिश है यहाँ पे, ईरान को पेसिफाई करने की कोशिश है, जिससे क्या हो, जो इससे बड़ा मकसद है, जो इस पूरे रास्ते से जो बड़ा खेल होता है आपका जैसी पुआ वाला, उसको एड्रेस किया जा सके। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन ये निकलता है, ईरान को मैंने समझाया, सीरिया को, जो सीरिया में हाल के दिनों में आपका काफ़ी सारे डेवलपमेंट हुए, पहला डेवलपमेंट ये हुआ कि यहाँ पे US का जो इन्फ्लुएंस है वो टोटली नेग्लेक्ट आउट हो गया क्योंकि यहाँ पे जो पूरा शो है वो रशिया लूट के चला गया। उसके बाद आपके टर्की का जो एक तरह से क्लैश क्रिएट होता है, टर्की के जो इंटरवेंशन से, जो अपना वो 30 किलोमीटर का जो एक बफर जोन बनाता है, तो उसके ऊपर स्टेटमेंट आया है और उनका कहना है कि वापस से US क्या करेगा, अब इंटरवेन करेगा, क्योंकि ट्रंप जब एडमिनिस्ट्रेशन में थे तो उनने अपने पूरे आपके आर्मी को क्या कर लिया था, सीरिया से विड्रॉ कर लिया था, जिसकी वजह से क्या एक तरह से लीवे मिल गया था टर्की को वो 30 किलोमीटर का जो चौड़ा बफर है उसको क्रिएट करने में। और इसकी वजह से एक तरह से वापस से जो आपका सीरिया है वो टर्मोइल में मूव ऑन हो चुका था। तो अब वहाँ पर उनने कहा है कि वो इंटरवेन करेंगे और इस इंटरवेंशन का मतलब है कि वो टर्की को भी एक तरह से क्या करेंगे, टैकल करने की कोशिश करेंगे, और साथ में जो इन्फ्लुएंस आपकी रशिया की क्रिएट हुई है मिडिल ईस्ट में अकॉर्डिंग टू
मिडिल ईस्ट अकॉर्डिंग टू यूएस और वेस्ट एशिया अकॉर्डिंग टू अस। तो जो वेस्ट एशिया में आपकी क्राइसिस क्रिएट हुई है, जो इन्फ्लुएंस क्रिएट हुई है रशिया को, उसको भी काउंटर करेंगे। इसके बाद दोस्तों रशिया का जिक्र आया, और रशिया का जिक्र यहाँ पे 8 बार आया। रशिया का जिक्र 8 बार आया क्योंकि अभी हाल में रशिया में जो सबसे बड़ी दिक्कत चल रही है, और जब भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आती हैं, डेमोक्रेटिक साइड की जो भी गवर्नमेंट आती हैं, उनके में देखा जाता है कि उनके जो ट्रेडिशनल फोज रहे हैं, चाहे आपकी कितनी भी कंट्रीज रही हो, वहाँ पे एक तरह से इंटरनल क्या शुरू हो जाता है, वहाँ पे एक तरह से इंटरनल अप डाउन शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे एक इंटरनल हलचल शुरू हो जाती है। जब पिछले बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी तो गद्दाफी में भी शुरू लीबिया में शुरू हुई थी, उसके बाद आपके इजिप्ट में शुरू हुई थी, और एक बार में और सीरिया में शुरू हुई थी, क्योंकि एक तरह से ये क्या ट्रेडिशनल अलाई नहीं होते थे आपके यूएस के, और डेमोक्रेट्स जो हैं एक तरह से यहाँ पे ह्यूमन राइट्स के थ्रू आपका इंटरवेन करते हैं। और यहाँ पे फिर से देखा गया था, उस टाइम भी देखा गया था कि कैसे वहाँ पे क्रेमलिन पे हमला होता है, और जो आपकी हेनरी क्लिंटन है उनका एक स्टेटमेंट आता है जिससे ये लगता है कि जो क्रेमलिन पे हमला हुआ है वो कहीं ना कहीं अमेरिकन सपोर्टेड है। उसके बाद वापस से रशिया का यहाँ पे जिक्र आया, क्योंकि रशिया का जिक्र जो मैंने हिलरी क्लिंटन के नाम पे छोड़ा था, वहीं से कहानी आगे बढ़ती है, और कहानी ये बनती है 2016 में, जब हिलरी क्लिंटन एक मेजर आपकी कंटेंडर के रूप में उभर रही थी, तो ऐसा कई जो आपके फैक्ट्स दिए गए हैं जिससे ये पता चलता है कि रशिया ने इंटरवेन किया था इलेक्शन में, यूएस इलेक्शन को मेंडल किया था, जिसकी वजह से ट्रंप जीत कर आए थे। तो जो आपकी 2016 की इलेक्शन मेंडलिंग हुई थी उसके ऊपर क्या किया है, वापस से इन लोगों ने बोला है कि हम उसका प्रोसीजर फिर से शुरू करेंगे, और इसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं उनको क्या किया जाएगा, बाकायदा सज़ा दी जाएगी। वो सज़ा तो नहीं बोला उन्होंने, बाकायदा उनको रिस्पॉन्सिबल जो भी है उनके साथ अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। तो मतलब यहाँ पे उन्होंने रशिया को घेरा। उसके बाद जो अभी लेवेंस्की वाला जो पूरा एपिसोड चल रहा है, उसको जो एक तरह से पुतिन के मेजर ऑपोजिशन उभर कर आए हैं, पॉलिटिकल ऑपोजिशन काफ़ी समय बाद रशिया में, उनके ऊपर स्टेटमेंट था। तो कुल मिला के 8 बार आपके रशिया का जिक्र आया, 5 बार आपके चाइना का जिक्र आया, और चाइना को इन 5 बार में जो सबसे स्ट्रॉन्ग जिक्र आया वो किस प्रकार से आया, वो ये आया कि टुडे चाइना इज द बिगेस्ट राइवल फॉर द यूएस। ये जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था चाइना के रेस्पेक्ट में। और यहाँ से एक तरह से चीज़ क्लियर हो गई कि जहाँ एक तरह से आपके कयास लगाए जा रहे थे कि चाइना को क्या किया जाएगा, एक तरह से चाइना बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद जो चीज़ें हैं वो स्मूथ होंगी, और वापस से जो प्री नॉर्मल हुआ करता था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पहले, जो उन दोनों के रिलेशन में वो क्रिएट होगा, वो अचीव होगा। लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद उसकी आशंका कम लगती है। और म्यांमार में जो आर्मी कूप हुआ है उसका उन लोग उनने क्या किया, यहाँ पे क्रिटिसाइज किया, और उनने वापस से जो आपके आर्मी जो भी आर्मी पर्सनल हैं उनको डायरेक्ट किया है कि वो वापस से अपने आप को रीइंस्टेट करें, और रीइंस्टेट करके आंग सू की को रिलीज करें, और वापस से वहाँ पे डेमोक्रेसी को स्थापित करें, स्टेटस क्यो को मेंटेन करें। अब इन सारे आपके जो भाषण थे यहाँ से, सॉरी, जो आपके सारे भाषण थे यहां से, आपको कौन मिसिंग था, यहां से इंडिया मिसिंग था। और इसी चीज को आपके जितने भी इंडियन एक्सपर्ट्स हैं वो काफी ही ऑब्जर्व करके सुन रहे, काफी इसके ऊपर माथापच्ची कर रहे हैं, क्योंकि ना तो यहाँ पे इंडो पैसिफिक का जिक्र था, ना तो यहाँ पे इंडिया का जिक्र था, ना तो यहाँ पे क्वाड का जिक्र था, इन तीनों चीज का जिक्र नहीं था। अब इसके ऊपर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि एक तरह से इंडिया क्या प्रायोरिटी में नहीं आ रहा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के। ठीक है, हर कंट्री की अपनी एक प्रायोरिटी हो सकती है, लेकिन अब इससे सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया जो एक तरह से इमर्ज होकर आ रहा था उसके साइज में कुछ फर्क पड़ेगा क्या। अब कहा जाता है कि जो डेस्टिनी है वो किसी और की हाथों की लिखी नहीं होती, वो आपकी खुद की होती है। तो इंडिया की क्या स्टेटस होगा वो अमेरिका के मेंशन करने या ना मेंशन करने से जाहिर तौर पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ज़रूर है कि 4 साल हो सकता है कि जो स्टेटस आपको 4 साल में मिल सकता था वो विलंब हो जाए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उन वो इसको काफ़ी सीरियस मैटर में देख रहे हैं, और जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं उनने कहा है कि जो अमेरिका है वो ब्राइट ट्रांजैक्शनल रिलेशन में विश्वास करता है, अगर कल तो उसको लगता है कि वो
सिंगल हैंडेडली इसको काउंटर नहीं कर पा रहा, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आपकी जो एशिया है, जो आपकी ईस्ट एशिया है, उसमें जो कंट्रीज़ हैं वो जाहिर तौर पे ना साइज़ के हिसाब से, ना पॉपुलेशन के हिसाब से, ना इकोनॉमी के हिसाब से, ना आपके स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से चाइना को काउंटर कर सकती हैं। और मैं यहाँ पे रेफर जापान, साउथ कोरिया जैसे जो एलाइज हैं उनकी कर रहा हूँ, जो ट्रेडिशनल एलाइज रही हैं यूएस की। तो इंडिया का तो उसको जाहिर तौर पर रिश्ता उसको निभाना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि पहले एक तरह से जो राइज था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में वो देखने को ना मिले। लेकिन ठीक है, हर एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने हिसाब से चीज़ें करता है, तो ये भी अपने हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा आपके लिए सेटबैक के रूप में नहीं है कि फलाने कंट्री ने आपका नाम नहीं लिया, नहीं लिया, नहीं लिया, बाद में कंडीशन ऐसी आएगी कि उनको लेना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो है आपका 14 नंबर का कि वाटर स्कैसिटी लाइकली इन हिमालयन कैचमेंट इफ वार्मिंग कंटिन्यू। सबसे पहले इस न्यूज़ को कराने के पहले, चूंकि मैं करीब 8 बजे के आसपास इस न्यूज़ को कंडक्ट करा रहा हूँ, 8:30-9 के, तो सबसे पहले जो नंदा देवी ग्लेशियर में जो आपका घटना हुई है, ग्लेशियर मेल्ट होकर आ गया, एवलैंच क्रिएट हुआ है, तो मेरी सबसे पहले जो भी व्यक्ति इसमें हताहत हुई हैं उनके स्पीडी रिकवरी के लिए मैं विश करूंगा। और साथ में जो, क्योंकि मैं उत्तराखंड में रहा हूं तो जाहिर तौर पे उस जगह से मुझे लगाव है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि वहां के जो लोग हैं वो सेफ़ रहें और ये जो विपत्ति की घड़ी है उसमें पूरा देश उनके साथ है। अब यहाँ पे होता ये है कि इसके ऊपर, और ये उसी न्यूज़ में, चूँकि अभी तक 3 लोग के हताहत होने की खबर है, तो अलकनंदा जो कि आपके उस जोशीमठ के पास है, जहाँ पे ये पूरा आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये जो पूरा आपका घटनाक्रम हुआ है, तो अलकनंदा में काफ़ी भारी मात्रा में आपके क्या हुई हैं, वाटर का वॉल्यूम बढ़ा है, क्योंकि जो ग्लेशियर है वो पिघल के आया है, रोल होकर आया, तो उसकी वजह से हो सकता है कि चमोली के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में आपके और भागीरथी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में आपके बाढ़ की सिचुएशन क्रिएट हो, तो देखते हैं होता क्या है। लेकिन उम्मीद किया जाएगा कि इससे कम से कम जान माल का नुकसान हो। अब यहाँ पे दोस्तों आपका जो ये पर्टिकुलर जो आर्टिकल था वो किससे डील कर रहा है, ये पर्टिकुलर आर्टिकल आपके ग्लोबल वार्मिंग से डील कर रहा है, और साथ में यहाँ से जो हिमालयन रिवर्स निकल रही हैं उनसे डील कर रहा है। एक तो आज हमने ताज़ा एग्जांपल देखा जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में नंदा देवी ग्लेशियर में होता है कि क्या ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है। अब उस ग्लोबल वार्मिंग का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो मेनली दो रिहायशी इलाकों में पड़ता है, एक कोस्टल लैंड में पड़ रहा है या आइलैंड्स में पड़ रहा है, और जो दूसरा इम्पैक्ट है जो आपके पोलार साइड है या फिर जो आपके माउंटेन्स में जो हाई हाइट्स पे जो रहते हैं उनको पड़ रहा है। तो ये दो तो इसके इमीडिएट क्या हो रहे हैं, सफरर हो रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये जो विपत्ति है इससे कोई बचने वाला नहीं है, ये धीरे धीरे आपका मूव ऑन होते हुए कॉन्टिनेंटल और फिर जो आपके जितने भी प्लेन्स एरिया हैं उनको भी इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि इस जो प्रकोप है इससे कोई बचने वाला नहीं है। इसका जो सबसे बड़ा प्रकोप है वो आपका किस रूप में दिखने वाला है, वो आपके हिमालयन रिवर के रूप में दिखने वाला है, और हाल के कुछ सालों में हिंद कुश माउंटेन जो है वहाँ से जो ओरिजिनेट होने वाली रिवर्स हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टडी हुई है कि जो जो हिंद कुश माउंटेन है वहाँ वो वर्ल्ड का सेकेंड क्या है, एक तरह से सबसे बड़ा आपका फ्रेश वाटर का रिजर्वायर है आफ्टर जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद, और इसी की वजह से क्या हुआ है कि वहाँ पर अगर कोई इम्पैक्ट होता है तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो वर्ल्ड के 40% के आसपास का जो पॉपुलेशन है उसको डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ से जो रिवर निकलती है, यांचे रिवर निकल रही हो, आपकी ब्रह्मपुत्र निकल रही हो, इंडस निकल रही हो, गंगा निकल रही हो, उसके बाद फिर गंगा के साथ आपके जो अदर ट्रिब्यूटरीज हैं जो नेपाल नेपाल के थ्रू अरुण, कोसी और फिर मैकोंग, ये आपके 40% ऑफ द जो पॉपुलेशन है, इंडिया और चाइना अकेले 35%, और उसके बाद म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहां पे कुल मिला के 40% के ऊपर की जो पॉपुलेशन है वो सीधा सीधा इंपैक्ट होगी, और ये स्टडी उसी की तरह रेफर कर रहा है। और इस स्टडी का कहना है कि अगर हमने इसको कंट्रोल करना शुरू नहीं किया तो 2030 और 31 के बाद जो नंदा देवी जैसे जो अनफॉर्चुनेट एविडेंस है ये रोजमर्रा का काम बन जाएगा।
और इसीलिए अभी क्या इस पर्टिकुलर एरिया के कंजर्वेशन के लिए कोई एक डेडिकेटेड प्लान आना चाहिए। इसको लेके भारत सरकार ने भी एक अपना डेडिकेटेड प्लान किया है, और वो जो डेडिकेटेड प्लान है वो अभी कितना इम्प्लीमेंटेशन में है मैं उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ, देखता हूँ वो उस वीडियो बनता है कि नहीं। लेकिन उस पर्टिकुलर मैं आपको अगर नहीं भी बना तो, चूंकि नंदा देवी का रेफरेंस आया, तो मैं उसको अपने उसी पर्टिकुलर न्यूज़ सेगमेंट में एड ऑन कर दूंगा। तो ये दोस्तों आपका ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ था, ये पूरा सेगमेंट था, ये आपका 3, 4 और 5 से डील कर रहा है। तो ये मैंने कंप्लीट किया, और एक और बार मैं फिर से अपना जो उत्तराखंड है उसके लिए कामना करूंगा कि वो जो भी वहाँ पे हताहत लोग हुए हों कम से कम हो, और जो भी अफेक्टेड हैं वो कम से कम आपके जानमान का नुकसान हो। इसी के साथ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं 6 और 7 के सेगमेंट में, जिसको मैं अभी थोड़ी देर में आपका वापस से लाइव जाके कंडक्ट करूँगा। तो नमस्कार, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।